तो भाई क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और काच्चे काट रहे हो। तुम्हें अच्छे से याद होगा कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय के साथ क्या घटना हुई थी। इसके अलावा तुम इस गली में आके आंख दिखाने वाली सुपर वुमन से भी भली भांति परिचित हो। ये वही है जिसने मास्क लगाने से मना कर दिया था। बाद में ये मियां बीवी पहले भी गए थे, लेकिन अब फेमिनिज्म का एक बहुत ही ज्यादा अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन आया है। इसमें फेमिनिज्म के सारे फीचर हैं, जैसे कि कॉमन सेंस की अब्सेंस। तुम्हें अच्छे से पता है कि इंडिया में कितने ट्रैफिक रूल फॉलो होते हैं। ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग लाल बत्ती पे रुकना ही रुकना होता है, लेकिन कंडीशन सप्लाई, वो कंडीशन ये है कि अगर सामने वाला, अगर हमसे आगे वाली गाड़ी रुक चुकी है तो हम रुकेंगे, और अगर अपने आगे वाली गाड़ी निकल चुकी है, लाइट बेशक लाल हो, गुलाबी हो, कैसी भी हो, हमें जाना ही जाना है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ग्रीन लाइट वाली गाड़ियां चलना शुरू हो चुकी है, उनकी इतनी ट्रेल है, इतनी भीड़ है कि वहां से निकल ही नहीं सकते, तो भी हम गाड़ी रेड लाइट पे रोक ही देते हैं। अब ये रूल हर ड्राइवर को पता होता है, बेशक वो सड़क पे मर्सिडीज चला रहा हो या साइकिल चला रहा हो। एक और रूल ये है कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए दोनों देख के रोड क्रॉस करना चाहिए। लाइट बेशक कैसी जल रही हो, अगर व्हीकल रुके हैं तभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सल्लू भाई जैसा पेल के चला गया तो फिर जुडिशरी सिस्टम का तुम्हें पता ही है। सलमान भाई की अभी फिल्म आई थी पीछे राधे, देखी होगी ना तुमने। आपको बता दे, हमारी आज की सुपर वुमन ने भी ऐसी रोड क्रॉस करने की कोशिश की थी। इसने वाहनों के रुकने का वेट नहीं किया, ना बस आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर बस वाला इस पे बस चढ़ा देगा तो इसका थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। सेम रूल अप्लाई होता है बाकी वाहनों पे भी। अब मैडम जा रही है और ऑटो वाले भी आफत से बच के निकल चुके हैं, लेकिन ओ भाई ये फंस गया। अब स्टील बॉडी फेमिनिस्ट सुपर वुमन ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने इसको टक्कर मारी। इसकी कई बात को चलो हम मान ही लेते हैं, ठीक है। अब फेमिनिस्ट है यार, लड़की रह गई अलग से, और इसके अलावा क्या कहते हैं यार, वो जागरूक भी तो है ये, ऐसे में इसकी बात में मानना कंपलसरी हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ड्राइवर ने भाई इसको हिट कर दिया, लेकिन यार ऐसा कैसा हिट कर दिया, ये हिली भी नहीं यार, बहुत ही नाजुक गाड़ी है इसकी तो। वैसे ये भी हो सकता है कि मैडम के लिए हिट और टच की डेफिनेशन सेम ही हो, लेकिन हम मानते हैं कि मैडम को टच नहीं किया, इसने भाई मैडम के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी और मैडम की तोड़ दी टांग। तो ऐसे में वहां पे पुलिस भी तो है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसको कहना चाहिए ना कि भाई इसने मेरे को हिट कर दिया, मेरे को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, मेरी टांग टूट चुकी है। लेकिन शायद हमारी स्टील बॉडी फेमिनिस्ट सुपर वुमन ने नया इंस्टाग्राम पे कोई फेमिनिज्म का ज्ञान लिया है, तो ऐसे में रौद्र रूप दिखाना तो बनता है। अब इतनी वुमन एम्पावरमेंट तो हमारी सोसाइटी में हो ही चुकी है कि इन्हें चार पांच थप्पड़ मारने का तो अधिकार है यार। गलती की हो ना की हो वो अलग बात है, लेकिन लड़की है यार, कम ऑन, इतनी तो छूट दे ही सकते हैं, तभी तो वुमन एम्पावरमेंट होगी। फेमिनिज्म का झंडा यही तो कहता है। इतनी घटना के बाद ड्राइवर बेचारा सहम हुआ, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, उसको डर लग रहा है, उसका डर सच्चा भी है, लेकिन मैडम ने कसम खा ली कि आज तो इसके बाप भाई ये करने ही करने हैं। समझ रहे हो मैं कितने सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी हरासमेंट, बुल्ली, कुछ अलग अलग आजकल तो सिस्टम चल चुका, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में हमें केयरफुली शब्दों को चूजना पड़ता है, समझ रहे आप। अब मैडम ने गाड़ी की खिड़की में हाथ डाला और ड्राइवर का फोन छीन के बाहर निकाल लिया और फिर उसे सड़क पे पटक पटक के तोड़ दिया। अब बताओ ड्राइवर ने मैडम को हिट किया यार, मैडम को कितनी पीड़ा हो रही होगी, तो यार एक फोन तो तोड़ा जा ही सकता है, कम ऑन, ये तो जायज है, समझ सकते हो तुम। अब मैडम ने फोन तो तोड़ दिया, लेकिन मैडम की अंतरात्मा शांत नहीं हो रही, वो कह रही कि इसकी हड्डी पसली तोड़ी जाए तब मजा आएगा। तो हमारी स्टील बॉडी फेमिनिस्ट सुपर वुमन ने ड्राइवर को भी खींच के बाहर निकाल लिया और फिर शुरू हुई दे थप्पड़। ओहो, इतने गुस्से में कि अगर मैडम का बस चलता तो बेचारे ड्राइवर पे न्यूक्लियर मिसाइल मार देती। इस स्टील बॉडी फेमिनिस्ट सुपर वुमन ने इस ड्राइवर को 22 थप्पड़ मार दिए और इसने सारे के सारे खा लिए भाई, वो इसलिए क्योंकि भाई गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला होता ना तो चोटी पकड़ के यही रेल बना देता इसकी। और जोश देखा जाए थप्पड़ मारने में, क्या बात है, ये उछल उछल के थप्पड़ मारने की टेक्निक मैंने पहली बार देखी है, पूरे चांस है कि ये टेक्निक ये पहले और किसी पे भी आजमा चुकी है। बाय द वे, इस वन वे फाइट में ट्रैफिक पुलिस के हमारे हवलदार रेफरी बने हुए हैं, क्योंकि फाइट के रूल फॉलो करना जरूरी होता है ना। इनकी निगरानी में फाइट ये दूसरे राउंड की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, चीटिंग का कहीं कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये महिला डोपिंग करके आई हो, देख रहे हो कितनी तीव्रता से, कितने एग्रेसिव तरीके से, कितने सेट पंच मार रही है, राइट पे राइट पे राइट पे राइट मार रही है, बिल्कुल एक तरफा मैच है, जीत गई है, रेफरी बीच में आ गया। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू रूल हाथ नहीं हटा सकते तुम, सीधी बात है ना, फाइट कैंसिल हो जाए, डिस्क्वालीफाई कर देंगे तेरे को। और दोनों पक्षों में बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है, कौन कितने थप्पड़ खा सकता है, कौन कितने थप्पड़ मार सकता है, बहुत ही टेंशन के बीच दर्शकों के साथ से अटकी हुई है। और रेफरी ने भाई को एक वार्निंग देके छोड़ दिया कि दोबारा हाथ नहीं लड़ाएगा, और भाई ने ठीक वैसा ही किया, बिल्कुल भी हाथ नहीं लड़ाया, क्योंकि भाई को फाउल से डर लगता है, बेशक सामने वाला 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाए, लेकिन अपन फाउल नहीं मारेंगे। और रेफरी के दिमाग में पता नहीं क्या गोबर चल रहा है, वो व्हाट्सएप चला रहा है, और साथ में उसने दोनों खिलाड़ियों को रिंग के कॉर्नर में कर दिया। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि हमारा ये खिलाड़ी रोप्स में खेलने का एक्सपर्ट नहीं है, और क्योंकि रेफरी फोन में लगा हुआ है, इसलिए मैच में गड़बड़ होने की संभावना मेरे को ज्यादा दिख रही है। इसी बीच दर्शकों में से आवाज आती है कि ये खिलाड़ी बदतमीज है। अरे बदतमीज है, बदतमीज
शायद इस दर्शक को 21वीं सदी के फेमिनिज्म का कोई अंदाजा ही नहीं है। बेटा चुप रहा करो, नहीं तो तुम भी यहीं पेल दिए जाओगे। और ये देखो, मैंने कहा था ना हमारा खिलाड़ी रोप्स में नहीं खेल सकता। बैक टू द वीडियो, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई गरीब है इसीलिए थप्पड़ खा रहा है, और फेमिनिज्म के इस दौर में मोरल सपोर्ट डांग मिलेगा इसे। अगर ये एक थप्पड़ भी मार देता ना तो इंटरनेट पे दो फाड़ हो जाती कि इसने मारा ही कैसे। इसने गजब का पेशेंस दिखाया है ताकि कम से कम इस लड़की पे केस तो हो सके। हाँ, केस होने के बाद भी होना कुछ ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। इंटरनेट पर जो ये फेमिनिस्टों वाली गैंग इक्वालिटी इक्वालिटी करती रहती है ना, उन्हें शायद ये सवाल पसंद नहीं आएगा। लेकिन बैकग्राउंड में एक भाई बोल रहा है कि अगर लड़का लड़की को मार रहा होता तो फिर पुलिस वाले तुम क्या करते भाई? फिर यहाँ जो रेफरी बना हुआ है पुलिस वाला, ये क्या करता फिर? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, पुलिस वाला और ये सारी पब्लिक मिलके उस लड़के को पीटती, गोबर काट देते मार मार के उसका, बाद में पूछते कि भाई तूने किया क्या था। अरे महिला पुलिस, बावले लोगों की नाड़ कट जाए तो पुलिस ना आए यहाँ पे, और तू बात कर रहा है महिला पुलिस की? और पुलिस वाले आके भी क्या कर लेंगे, एक ट्रैफिक पुलिस वाला तेरे बाजू में रेफरी बनाई हुआ है। और सैलमन भाई जिंदाबाद, मैंने तेरे को बता तो रखा है, लाइन में सो रहे लोगों पे गाड़ी चढ़ा दो बेशक, तुम पुलिस वाले क्या कर लेंगे? जब तुम जुडिशरी खरीद सकते हो तो पुलिस तो यार छोटी चीज है। ऐसे में भाई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था चुपचाप बड़े प्रेम से थप्पड़ खाने का ऑप्शन, और भाई ने वही सिलेक्ट किया। ये तो शुक्र है किसी ने वीडियो बना ली। अगर कोई वीडियो नहीं बनाता और ये वायरल ना होती, चलो मान ले वीडियो बन चुकी है, अगर ये वायरल भी ना होती ना तो भी ये मामला रफा दफा ही था। अरे लड़का होता तो तेरे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, पुलिस वाला रहा तुम दोनों को पीटता पुलिस वाला, रीजन बाद में पूछता। देख रहे हो स्टील बॉडी फेमिनिस्ट का थप्पड़ मारने का जोर, बावले जनता के पूछेगी रे, पुलिस वाले जनता से ही आए हैं, जनता तो देख रही है, जनता डेड है यहाँ की। बावले चुपचाप थप्पड़ खा के घर चले जाओ, और फालतू के 3-5 करोगे ना तो मोलेस्टेशन का केस डाल दिया जाएगा तेरे पे। करेज देख रही हो इसका, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बहादुरी वाला काम है ये। और भाई से 500 थप्पड़ लगने के बाद एक बंदा छुटाने के लिए आया है, और महारानी ने उसे भी थप्पड़ मार दिया था कि बीच में कैसे आ रहा है तू? मेरे मालिक का मोबाइल तोड़ दिया। हाँ दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, इसे नाड़ काटने दो इसकी। बताओ कितना बड़ा क्राइम कर दिया इसने, सजा देना तो बनता ही है। लेकिन मुझे रेफरी क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई, अपना कितनी देर होगी? आराम कर, चाय पीने गया मेरे को लग रहा है वो। तब भी क्लिंजिंग हो रही है बीच मैच में, सरासर गलत है ये। भाई देखो ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, किसी से कुछ ना बताइयो, चुपचाप घर जा और रोटी खा के सो जा। अब जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, मैं कह रहा हूँ वायरल हुई, ऐसी घटनाएं बहुत होती है यार, इंडिया में ही बहुत होती है, बाहर की तो बात ही छोड़ दो, तो सोशल मीडिया पे लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हो रहे हैं, कह रहे कि ये रुकना चाहिए। भाई मैं तुम्हें सीधी बात बता दूं, ये रुकने वाला नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये जो लड़कियों में एक्सट्रीम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इस अलग टाइप के फेमिनिज्म को जो बल मिल रहा है वो यू ही नहीं है यार, इनके दिमाग में ये प्रोपेगेंडा और गू भरने के पैसे लगते हैं। हमें लगता है कि सोशल मीडिया फ्री है, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें जानना है कि इनके दिमाग में ये गू भरता कौन है और वो गू भरने से उन लोगों को क्या फायदा होता है, तो तुम एक काम करो, ये सारे फेमिनिस्टों की एक लिस्ट बनाओ और उनमें फिर तुम सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करो। 10 मिनट लगेगी तुम्हें और तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। बाकी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि में ही रखे। और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।